आज हम बात करेंगे कि पेशेंट की सर्जरी के बाद उसकी ड्रेसिंग कैसे करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो खुद सर्जन नहीं हैं लेकिन उनके पास पेशेंट आते हैं कई बार सर्जरी के बाद, खास तौर पर इस कोविड के माहौल में जब पेशेंट अपने सर्जन तक नहीं पहुंच पाते हैं ड्रेसिंग के लिए, तो उनको जनरल प्रैक्टिशनर के पास ही ड्रेसिंग कराने जाना पड़ता है। तो जो भी हमारे कुलीग्स हैं जो जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं गाँव में या छोटे शहरों में, तो उनको कई बार पूरा आइडिया नहीं होता है या वो डरे रहते हैं कि हम कोई गलती ना कर दें। तो इस तरह से पेशेंट आपके पास आता है, आप ये देख सकते हैं हिप रिप्लेसमेंट इनका हुआ है, ये जो पाइप है ये ड्रेन होती है और इस तरह से इनकी ड्रेसिंग है। तो पेशेंट आपके पास इस तरह से आता है, तो ये पेशेंट आपके पास ड्रेसिंग के लिए आया, तो आपको क्या क्या चीज़ें रेडी करनी है? तो ड्रेसिंग से पहले ये चीज़ें हमारे पास रेडी होनी चाहिए। ये होते हैं अनस्टराइल ग्लव्स, ये जिस तरह से पैक होके आती हैं अनस्टराइल होते हैं, ठीक है। ये होते हैं स्टराइल ग्लव्स जो ऐसे पैक्ड आते हैं, आपको हमेशा चेक करना है कि चारों तरफ से जो इसकी जो पैकिंग है बिल्कुल इंटैक्ट है। अगर ये कहीं से भी खुला है तो इसका मतलब ये स्टराइल नहीं है, तो उसको यूज़ ना करें। इस तरह से एक ड्रेसिंग सेट, ये रेडीमेड भी मिलते हैं केमिस्ट के पास अगर आप ड्रेसिंग सेट मांगेंगे, नहीं तो अलग अलग पैड गॉज इस तरह से आपको अलग अलग भी मिल जाता है। हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हम यहाँ ये ड्रेसिंग सेट एक रेडी करते हैं जिसको अभी हम खोलेंगे। माइक्रोपोर, ये जो पेपर टेप होती है ये एक ज़रूरी है आपके पास होनी चाहिए। ऑर्थोपेडिक्स में जनरली ये 3 इंच वाली होनी चाहिए, छोटी जो 1 इंच या छोटी आती है उससे काम आपका नहीं चलेगा, तो 3 इंच का पेपर टेप आपके पास होना चाहिए। बीटाडिन जो हर जगह मिलती है, हैंड रब जो आजकल कोविड की वजह से घर घर में मिलता है आपको, ये होना चाहिए, और सलाइन। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक ड्रेसिंग के लिए होती है। तो सबसे पहले जब आप ड्रेसिंग खोलेंगे तो आपके पास अनस्टराइल ग्लव्स होने चाहिए। उसका कारण ये होता है कि पेशेंट जैसे कई बार ब्लड लगा होता है या मतलब ये बेसिकली आपका इन्फेक्शन बचाने के लिए है कि आपको इन्फेक्शन ना हो, तो पहले हम अनस्टराइल ग्लव्स लेते हैं और पेशेंट की जो टेप लगी होती है ये एक बड़ा क्रूशियल स्टेप है। जब हम टेप हटाते हैं तो पेशेंट को बहुत दर्द होता है क्योंकि उनके बाल खींचते हैं, तो इसके लिए टेक्निक क्या है कि आप टेप का एक एंड खींचेंगे और दूसरे हाथ से स्किन को दबाते रहेंगे, तो इसलिए इससे पेशेंट को दर्द नहीं होगा। जैसे हमें ड्रेन नहीं निकालनी है तो हम ड्रेन को रिटेन कर रहे हैं अभी, तो ड्रेन को आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, तो इस तरह से आप पूरी टेप को हटा देंगे। तो जैसे हमें ड्रेन रिटेन करनी है तो हम ड्रेन को ज़्यादा नहीं पुल करेंगे, हम बाकी जगह से, लेकिन घाव को कहीं भी टच नहीं कर रहे क्योंकि मेरे ग्लव्स अभी अनस्टराइल हैं, स्टराइल ग्लव्स नहीं है ये। और आप ये देख सकते हैं ये MIS टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट हुआ है जिसमें कोई स्टिच नहीं है। तो इस तरह से हम टेप को हटाते जाएंगे चारों तरफ से, स्किन को दबाएंगे, टेप को खींचेंगे लेकिन साथ साथ स्किन को दबाएंगे ताकि पेशेंट को पेन ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और हम सारी टेप को ड्रेन की तरफ फोकस करेंगे ताकि ड्रेन को हम बिल्कुल लास्ट में टच करेंगे। अब ड्रेसिंग हमारी ओपन है और अब हम स्टराइल अनस्टराइल ग्लव्स के ऊपर स्टराइल ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स कैसे खोलते हैं एक बार देखिए, ये कट यहाँ बना हुआ है तो आपने इस तरह से इसको खींचना है, पूरा खींचना है, और ये पेपर भी स्टराइल है तो आप इसको किसी भी सरफेस पर ऐसे रख कर, तो ग्लव्स पहनने का तरीका ये है कि ग्लव्स हमेशा ऐसे फोल्ड होते हैं तो आपने यहां से पकड़ना है और हमने लेफ्ट पहना इसको यहीं छोड़ दिया, राइट साइड में गए यहां भी, यहां आप यहां से नहीं पकड़ोगे, यहां इसको आप ऐसे अंदर से ऐसे डालोगे ग्लव्स को और फिर ये ग्लव्स पहनोगे इस तरह से, इस ग्लव्स को पूरा पहन लेंगे फिर वापस आकर इस फोल्ड को सीधा करेंगे, तो ये ग्लव्स पहनने का सही तरीका है। जब आपने ये ग्लव्स पहन लिए तो आप कुछ भी टच नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट द ड्रेसिंग साइड। तो आपका असिस्टेंट आपकी हेल्प करेगा, तो ड्रेसिंग सेट तो उसको जब खोलेंगे तो ये जहां भी हाथ लगा रहे हैं मनीष, ये अंदर की तरफ हाथ नहीं लगाएंगे, अंदर मैं सिर्फ मैं हाथ लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्टराइल ग्लव्स हैं। तो जो आपके असिस्टेंट हैं वो सिर्फ बाहर की तरफ टच करेंगे, तो ये सारा अब स्टराइल है। तो यहां मैं अपने ग्लव्स के साथ अब जा सकता हूं अंदर, ये लास्ट फ्लैप मैं खोलूंगा, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट हमारे फोर्सेप्स सीजर। तो सबसे पहले हम बीटाडिन से क्लीन करेंगे, ये हमारे ग्लव्स गॉज इस तरह से पैक्ड आते हैं, कुछ ड्रेसिंग सेट होते हैं उसमें गॉज ऑलरेडी होते हैं, तो हमें गॉज की जरूरत पड़ेगी और पैड की जरूरत पड़ेगी।
ये पैड की तरह से पैड आते हैं, ये सारा एरिया स्टराइल है, इसमें हम सारा काम कर सकते हैं, इसमें कोई और टच नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम बीटाडिन लेंगे, ये गौज हमने इसमें डाल दी है बॉल में, और जब भी ये बीटाडिन डालेंगे तो डिस्टेंस रहेगा। कई बार क्या होता है, जो आपके असिस्टेंट होते हैं वो बीटाडिन की बॉटल को इस पर टच कर देते हैं तो वो अनस्टराइल हो जाता है, वो गलत है। तो सबसे पहले हम बीटाडिन से क्लीन करेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, जहां वुंड है वहां से स्टार्ट करके बाहर की तरफ चलेंगे, उल्टा नहीं करना है, बाहर से अंदर की तरफ नहीं आना है। तो एक सर्कल आप बनाएंगे और ये बाहर की तरफ चलते रहेंगे। ड्रेन साइड को भी क्लीन करेंगे। बीटाडिन को अपना फंक्शन करने में एक मिनट लगता है, तो बीटाडिन को कम से कम एक मिनट तक आप यहाँ रहने दें, उससे पहले उसको ड्राई ना करें। ऑलराइट, एक डस्टबिन आपके साथ रहेगा ताकि आप ये जो भी आपके गॉज हैं ये डालते रहें, हमने इधर उधर नहीं डालना है। अभी तो ड्रेन है, लेकिन जब ड्रेन नहीं होता है तो हम वुंड को एक तरफ से प्रेस करके स्क्वीज करते हैं दूसरी तरफ, कि अगर कोई कलेक्शन होता है ये इस तरह से हम इसको प्रेस करते हैं, ताकि अगर कोई भी ब्लड कलेक्टेड है अंदर तो वो निकल जाता है। इस तरह से करके इस गॉज को दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, दिस विल गो टू द डस्टबिन। अब इम्पोर्टेंट बात, हम एक बार बीटाडिन से कर चुके हैं, इसको ड्राई करना है। तो कई बार क्या करते हैं कि हम इसको डायरेक्ट ड्राई कर देते हैं, लेकिन बीटाडिन को सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, अगर आप टेप लगाएंगे तो वो बार बार उखड़ जाएगी। तो उसके लिए बेटर तरीका क्या है कि हम हैंड रब लेंगे इस तरह से। अगेन हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे और बाहर की तरफ चलेंगे। जो सर्कल है वो हमेशा बाहर की तरफ चलेगा, अंदर कभी वापस नहीं आना वुंड की तरफ। तो इस तरह से हमने बीटाडिन को क्लीन कर दिया। इसके दो फायदे हैं कि एक तो पहले हमने बीटाडिन से क्लीन किया, फिर हमने हैंड रब से क्लीन किया, तो डबल एंटीसेप्सिस हो गया है, तो वुंड आपका डबल क्लीन हो गया है। दूसरा, हैंड रब जल्दी सूखता है, तो आपको जब आप ड्रेसिंग की जब टेप चिपकाएंगे लास्ट में तो वो बहुत जल्दी आपकी चिपक जाएगी। तो अब मैं ड्राई कर रहा हूँ, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर। अब मैं पेरिफेरी की तरफ जा रहा हूँ, बिल्कुल बाहर की तरफ। तो आप देखेंगे कि हैंड रब से जब आप इसको सुखाएंगे तो ये इमिजिएटली सूख जाता है, तो अब आपको ड्रेसिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी गलती करते हैं कि जब इसके ऊपर गौज लगाते हैं तो उसको बीटाडिन से सोक कर देते हैं। कभी भी बीटाडिन से गीली करके गौज मत रखिए, क्योंकि कुछ घंटे के बाद बीटाडिन सूख जाती है और वो जो गौज है वो पेशेंट को बहुत इरिटेट करती है। तो इसलिए हमेशा ड्राई गौज लगानी है। पेशेंट को भी कई बार लगता है कि आपने गौज पर दवाई तो लगाई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। दवाई हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, वुंड को ड्राई करने के लिए गौज लगाई जाती है। वुंड की हीलिंग इस गौज के ऊपर बीटाडिन लगाने से नहीं होती है। इसी तरह हमने ड्रेन को भी सिक्योर करना है एक गौज लगाकर। इस तरह से आप गौज इसके ऊपर लेयर बाय लेयर रखते जाइए, और लास्ट में पैड जरूर लगाएं, क्योंकि अभी तो ड्रेन है लेकिन जब ड्रेन नहीं होता है तो चांसेस होते हैं कि इसमें सोकेज होगी। तो इस तरह से लास्ट में लगाकर हम माइक्रोपोर से ड्रेसिंग करते हैं। और कुछ लोग ऐसे लंबा लगाते हैं टेप, वो करेक्ट मेथड नहीं है, हमें क्रॉस लगाने हैं। अब मैं हाथ लगा सकता हूँ अनस्टराइल एरिया में, क्योंकि ड्रेसिंग का काम कंप्लीट हो गया है। दूसरी गलती, टेप में कई बार लोग स्ट्रगल करते हैं, बार बार उसके एंड को ढूंढते रहते हैं, इसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये सिरा नहीं मिलता उनको, एंड नहीं मिलता, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसका बेस्ट तरीका है, जब आप इसको खोलते हैं आप अपने एक फिंगर यहाँ रखिए, आपने जैसे लगाया इस फिंगर से आप, ये फिंगर हमेशा यहाँ रहेगी तो आपको ये एंड बार बार मिलता रहेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और टाइम की बजाय जितनी देर आप वुंड को खुला रखेंगे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। अगेन ये टेप आपने लगाई और आपने फिंगर यहाँ रखी, और ये देखिए हर बार आपको ये इसका एंड मिलता रहेगा। एक लास्ट में, और जो भी आप टेप लगा रहे हैं आप कम से कम 50% ओवरलैप पे चलिए। एक टेप के बाद जब दूसरी टेप लगाएंगे तो कम से कम 50% ओवरलैप होना चाहिए, ताकि बिल्कुल हवा भी इसके अंदर ना जा सके।